नमस्कार भैया, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। और ये पीछे आप देख सकते हैं समंदर है, ये बाढ़ नहीं आया है ना ही ये समंदर है ना ही ये नदी है, ये भैया पुल है। आ पुलवा के ऊपर पनिया आ गया है। हम बता दें कि पुल का निर्माण इस वर्ष उत्तर प्रदेश यानी कि जनपद कुशीनगर रामकोला में बहुत ही तेजी से हुआ था, जिसमें किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। बता दें कि उस समय बीज पड़ रहा था धान का और रुपाई होना था, लेकिन नहर में पानी नहीं थी, लेकिन किसान ने अपनी गाड़ी की कमाई डीजल में बहा दिया बीज को बचाने के लिए और धान के बीज को उपजा दिया। और इसका मुख्य कारण क्या था, बलिदान देने का मतलब क्या था, कि नहर में पानी नहीं था। नहर में पानी नहीं रहने का मतलब था कि पुल का निर्माण हो रहा था। लेकिन भैया आपको बता दें कि इसके बावजूद भी सबसे जटिल समस्या लगभग 2-4 साल से इस नहर का है, जो नहर का पानी इस पुल पर आ जाता है, लेकिन इस पुल का निर्माण नहीं हुआ। बाकी जो उपयोग हेतु नहीं था वहाँ उस पुल का निर्माण किया गया। बहुत ही सोचने की बात है कि नहर विभाग की लापरवाही है कि पीडब्ल्यूडी की विभाग की लापरवाही है कि किसान की लापरवाही है कि ये जो मासूम बच्चे आगे विद्यालय है किसान इंटरमीडिएट कॉलेज, वो बच्चे की लापरवाही है। आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। आप सोच सकते हैं कि ये आगे जो दिख रहा है ये नदी तालाब समंदर के तरह से ये दिख रहा होगा। शायद आप यहाँ आएंगे तो 2 मिनट के लिए रुक जाएंगे कि कोई गाड़ी वाला आए और अगर नीचे धंस जाए तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मन में बहुत सारा सवाल चलता है। और आपको बता दें कि मंसूरगंज से सीधा ये बोदरवार जाने वाला रास्ता है, अब बोदरवार से सीधा मुख्यालय यानी कि जनपद कुशीनगर पड़रौना जाने वाला रास्ता है। आई रोडवा से बहुत बड़े बड़े नेता आते जाते हैं, विधायक विधायक मंत्री सांसद और जिला पंचायत सभी लोग जाते हैं, लेकिन जानते क्या करते हैं, गड़िया में पनिया उड़ते हुए देखते हैं, मस्ती लेके चले जाते हैं, लेकिन बनवाने का काम नहीं करते हैं। आखिर इसको बनवाने का काम किसका है ये बताइए। ये देखिए समंदर बना है, ज्यादा मजा आता है। देखिए आई देखिए है बहू, इधर आओ, पढ़ते हो तुम लोग? हाँ, कैसे साइकिल से मजबूरी जाते हो या फिर इस पानी को बचने से जाते हो? साइकिल से जाते हैं। अच्छा, मजा आता है? मजा नहीं आता है, पैंट उन भीग जाता है। पैंट भीग जाता है? हाँ। कब तक समस्या ही रहती है इस तरह की? पूरी बरसात। पूरी बरसात नहीं, जब नहर में पानी आती है तो उसके बाहर पूरा पानी लग जाता है। बाबू भाई, स्कूली बच्चे कैसे जाते हैं? पैदल भी जाते हैं, साइकिल से भी जाते हैं। इस रास्ते जाते हैं लोग, अगर मान लीजिए कोई बाइक तेजी से जाए तो पूरा उनका भीग जाता है पूरा। नहरिया कितना गड्ढा हुई हो सर? बहुत गहरा है, बहुत। अगर मान लीजिए इसमें कोई गिर जाए तो बच सकता है? नहीं, बहुत गहरा है, नहीं कोई। लड़के पढ़े चाचा? लड़के अगवा स्कूल है? हाँ। तो लड़के पढ़े कैसे जाना है? ऐसे ही जाने, पनिया रहे। पनिया रहे जाना? हाँ। तो जूतवा भीग जाए तो का भेल? भीग जाए तो सुख नहीं जाए। अच्छा, कब से समस्या? तो 3-4 साल से भाई समस्या। हाँ, नहीं बने लगे ऐसे नहीं बनल कि एकर कोनो भरोसा नहीं है। अच्छा, कि जल्दी भ्रष्ट हो जा। चलिए भैया, भरोसा नहीं है लेकिन समस्या होती है। और एक समस्या हम बता दें, जैसे चाचा कह रहे हैं कि कोनो दिक्कत नहीं होला, तो शिक्षा दीक्षा में एक माना गया है कि जब तक लड़का माइंड से प्रिपेयर नहीं रहेगा उसको शिक्षा दीक्षा सही से नहीं मिल पाएगा। इसलिए कि जब बच्चा जाता होगा जूता पहन के या चप्पल पहन के, उसके कपड़े भीग जाते होंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि छात्राओं की बहुत ज़्यादा समस्या होती होगी। छात्राएं इस रास्ते से जब जाती होंगी तो उनके सॉक्स भीग जाते होंगे, जूते भीग जाते होंगे, और उस स्थिति में वो 4 घंटा विद्यालय में बिताती होगी और समय देती होगी और जाके शिक्षा दीक्षा ग्रहण करती होगी। ऐसे में बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल रही है इस पानी को लेकर। और जैसे कुछ लड़के जो है बचा के जाते होंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ काई लगा है पुल पे, ये पुल पे काई लगा है। और जैसे भैया जाते होंगे तो इन्हें 10 से 15 फीट गहरा है जो पानी जा रही है। अगर कोई स्लिप कर गया जाने अनजाने में तो उस लड़के की जान जा सकती है, उसकी मौत हो सकती है। इसकी सारी जिम्मेदारी नहर विभाग को जा सकती है। और मैं तमाम नेताओं से ये निवेदन करना चाहूँगा, गुहार करना चाहूँगा कि इस दृश्य का आनंद मत लीजिए, इसको बनाने का काम कीजिए। प्रदेश के, देश के और अपने विधानसभा में बहुत सारे पुल पुलिया का निर्माण हुआ है। इस पुल का निर्माण कब होगा नेताजी, इसको भी ध्यान दीजिए, क्योंकि इस रोडवा से बहुत लोग आते जाते हैं। लगभग कई सौ गाड़ियों का आना जाना लगता रहता है और छात्रों का आवागमन रहता है। मेन रोड है, यहाँ की जेन्युइन समस्या है। इस समस्या को ध्यान दीजिए और अति शीघ्र इस पुलिया को बनाने का काम कीजिए। एक रीज़न और हो सकता है, शायद इस पुलिया को निर्माण करने के लिए ठेकेदार साहब लोग को धन की
बचत नहीं हो पाती होगी, ये भी रीजन हो सकता है। लेकिन मैं चाहूंगा ठेकेदार साहब और धन लेके आइए और इस पुलिया का निर्माण कराइए। तो इस नदी को, इस तालाब को, इस समंदर को, इस पुल के पुलिया को, इस पुलवा के ऊपर स्विमिंग पूल है, इसको देख के भैया हमें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पुल है कि पुलिया है कि नाला है कि नाली है कि नदी है कि तालाब है कि पुलवा नदी कि पुलवा नहरिया पा गया कि नहरिया पुलवा में चला गया कि पुलवा पे स्विमिंग पूल बन गया है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें बताइएगा। धन्यवाद, देखते रहें फास्ट प्लस न्यूज़।